हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपना परिवार एमएनसी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग का काफी कमेंट हमने देखे हैं कि पार्ट थ्री में एडमिशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यूआर कॉलेज का, एमएनडी कॉलेज का, या फिर दरभंगा, लखीसराय, लहरिया सराय, यहाँ सारा जगह से कमेंट आया हुआ है कि सर पार्ट थ्री में हमारे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हम आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं, 14 सितंबर तक आपको अपने कॉलेज में जाकर नामांकन लेना है, चाहे नोटिस आया हो या फिर नहीं आया हो। 14 सितंबर के बाद आपका एडमिशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हर एक जगह का नोटिस आ चुका है, हम कितने जगह का नोटिस आपको दिखाएं परेशान हो जाएंगे, और सभी जगह का नोटिस हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए हम आपको बता चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी हम आपको दे चुके हैं, 8582012417, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां से आप लोग सारा न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्त में आपको सारी जानकारी दी जाएगी, और साथ ही साथ सेकेंड सेमेस्टर और पार्ट थ्री का गैस क्वेश्चन पेपर जल्द आने वाला है, और फर्स्ट सेमेस्टर का भी। तो इस सब के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और वीडियो को लाइक भी कर लेना है। पार्ट थ्री में एडमिशन में लड़की को मात्र 150 से 200 रुपया लिया जाता है, लड़का से 650 से 500 तक ही लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं प्राइवेट वाले जो 2900, 1900, 1700, 1800 भी लूट रहे हैं, तो इससे आपको बचना है और इसके प्रति आपको आवाज उठानी है। वैसे आपका अधिकार है, आप आवाज उठाते हैं या नहीं उठाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट सभी कॉलेज में, जितने भी कॉलेज हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, या पीपी यूनिवर्सिटी, या फिर बीएनएमयू यूनिवर्सिटी, या जिस भी भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी है मधेपुरा, वहां की बात कर रहे हैं, या ब्रावो यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में पार्ट थ्री में नामांकन लिया जा रहा है। पार्ट टू रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन नामांकन शुरू हो चुका है। तो आप अपने कॉलेज से पता करिए इसकी जानकारी, या फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको छोटी बड़ी अपडेट हमेशा दी जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, फिर आऊंगा, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।